बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर सियासी कसरत चल रही है। सभी बड़े लीडर मैदान में उतर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। कांग्रेस भी अजीम इत्तेहाद के खेमे में दमखम ठोक रही है, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को मना नहीं पा रही है। अभी बिहार में इंतखाबी तशीर ने जोर पकड़ा ही था कि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव तनाजे में घिर गए। दरअसल तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो इंतखाबी तशीर के लिए जा रहे हैं। उनके साथ नए नए बने पार्टनर मुकेश सहनी भी हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में लंच का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 8 अप्रैल का है, लेकिन तेजस्वी के लिए ये वीडियो वबाल बन गया। वो मछली खाते दिख रही है, चटखारे लेकर उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है। बात सिर्फ यही नहीं है, तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने तो वीडियो को लेकर कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची भी लग सकती है। मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, उसका नाम है चेचरा, और मजबूती से हम लोग प्रचार प्रचार कर रहे हैं, और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है, और प्याज मछली और मिर्ची ये सारी चीज नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं, और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। नवरात्र चल रहा है, तेजस्वी यादव वीडियो शेयर करने से बच सकते थे, लेकिन मछली का सिंगल काटा सियासी फांस बन गया। सियासत है कि जो ना कराए। तेजस्वी यादव की मछली खाने की वीडियो पर तनाजा बढ़ गया। एनडीए का कहना है कि नवरात्र में मछली खाना मुस्लिम अपीसमेंट है। बीजेपी लीडर इसे सनातन की तौहीन बता रही हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टिकरण के पोषक हैं, वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से जब इनकी सरकार थी काफी संख्या में लोग आए थे। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। हालांकि तनाजा बढ़ने पर तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में सफाई दी है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन, और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। अब हम आपको बिहार की सियासत की दुनिया में ले चलते हैं। लोकसभा चुनाव में लालू यादव पर्दे के पीछे रहकर सियासी वार करने में लगे हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू यादव लोकसभा चुनाव में जमकर सियासी चाल चल रही है। पहले मरहले के चुनाव में उन्होंने NDA के तजुर्बेकार उम्मीदवारों के सामने नौजवान और नए कैंडिडेट पर दांव लगाया है। माना जा रहा है कि लालू यादव की ये सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए, EB CBI जितना भी है प्रशासन से। लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों को टिकट क्या दिया, बीजेपी ने इसे फैमिलिज्म की मिसाल दे डाली। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह तो इसे लालू की प्राइवेट कंपनी तक बता रही हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवारवाद का परिचायक है,
तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोगों की सूची दे दें, जिसको जितना शेयर स्टॉक स्टेक दे दें, अभी एक बेटी दो बेटी परिवार में जितने बच्चों को देना हो दे दें, उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के पास शेयर है, जिसको देंगे वही शेयर होल्डर हो जाएगा। हालांकि चुनावी रण में जीत के दावे सभी कर रही हैं। कहने को तो बिहार में अजीम इत्तेहाद साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में जिस तरह से पप्पू यादव ताल ठोके हुए हैं, वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ये सीट आरजेडी को समझौते के तहत मिली है और उसने बीमा भारती को टिकट दिया है, लेकिन पप्पू यादव आजाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें अल्टीमेटम देते हुए पर्चा वापस लेने को कहा था, लेकिन पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस में अपनी पार्टी के इंजमाम के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं है, लिहाजा कांग्रेस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इस बात को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस आरजेडी ये लोगों को यूज करते हैं और यूज एंड थ्रो उनका है, उसी में ये सारी खेल हो रहा। बिहार में इस बार के चुनाव में सीएम नीतीश एनडीए के पाले में हैं। पीएम मोदी के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का वादा कर रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रही हैं कि बिहार में डिग्री के बाद भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई को लेकर भी मरकजी सरकार पर वार कर रही हैं। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी पहले गाना गाती थी कि महंगाई डायन खाए जाते, अब यही महंगाई उनके लिए महबूबा हो गई है। पहले महंगाई अब महबूबा। जाहिर है बिहार की सियासी लड़ाई में इस बार लालू और एनडीए के बीच जबरदस्त मुकाबला है। नीतीश और लालू इस बार अपने दमखम के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।